तो ये मेरा होस्ट अर्माडा का एफिलिएट डैशबोर्ड है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पिछले साल के देख सकते हो आप $400 टोटल अर्निंग है, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 50 अप्रूव्ड है और 50 पेंडिंग है, मतलब ये $100 और मेरे पास आ जाएंगे जब ये अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे होस्टिंग चार्ज का भी आपको बताता हूँ, जो पहले के दो ट्रांजेक्शन है वो 2023 के हैं, ये 101 और ये 155, ये सब मेरे एफिलिएट का वो है। तो ये सिर्फ मेरे दो वेब होस्टिंग कंपनी के मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ। और बाकी जो मेरे यहाँ पे पेपाल पे, जैसे यहाँ पे लास्ट 38 डेज है आपके सामने, इसको रिफ्रेश भी हो जाएगा ये। यहाँ पे मैं सिर्फ 2023 का आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये होस्टिंग वाला मेरा पेमेंट है उसका, यहाँ पर फिर नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब छोटे मोटे ट्रांजेक्शन मेरे गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड होते हैं। फिर मेरा एक अफिलिएट अमाउंट ये वाला आया है, फिर यहाँ पे थोड़े गेस्ट पोस्ट वाले हैं, फिर यहाँ पे नीचे एक बड़ा अमाउंट मेरा ये है कुछ वाला। तो ये सब मेरे अफिलिएट रेवेन्यू है, जो टोटल आपको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ किसका टोटल ये होता है, और ये सब सिर्फ अफिलिएट वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये सुनो। तो पिछले महीने मैं करीब 20+ नए ब्लॉगरों से बात कर चुका हूँ, और मेरा दिमाग एडसेंस की वजह से इसलिए खराब हो चुका है क्योंकि उन लोगों को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, और बाद में वो ये कहते हैं कि भाई हम ब्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, हमें अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है, साल भर से लगा हुआ हूँ, इतने महीने से लगा हुआ हूँ, जब हमें एडसेंस अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है तो फिर हम ब्लॉगिंग क्यों करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी को लर्निंग में ध्यान नहीं देना, किसी को रिसर्च में ध्यान नहीं देना है, और बस एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तो उनको लगता है कि ब्लॉगिंग में कुछ होगा नहीं और वो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे तो ब्लॉगिंग नहीं होने वाली। और एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस करने में थोड़ा इंटरेस्ट है कि क्या है, कैसे इसके फायदे वगैरह है, कैसे लोग कमा रहे हैं, वो सब जानना है तो ही ये वीडियो देखना। बाकी आपको लगता है कि मैं कोई टिप्स या फिर कोई ट्रिक शेयर करने वाला हूं तो आप अभी वीडियो को एग्जिट करके जा सकते हैं। मैं भी एक आम ब्लॉगर ही हूं, मैं अपने थोड़े बहुत पैसिव इनकम कर लेता हूं ब्लॉगिंग वगैरह से, और वही सब मैं इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो आप मुझे ये मत समझना कि मैं बहुत टॉप लेवल का ब्लॉगर हूं, मैं लाखों करोड़ों कमा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, और आगे उस लेवल में पहुंच सकता हूं, आप भी पहुंच सकते हो। ये वीडियो बनाने का मेरा माध्यम यही है। तो ये वीडियो बनाने का एक पर्पस ये भी है कि आपको पता चले कि सिर्फ एडसेंस ही एक मोनेटाइज करने का मेथड नहीं है, जो आपको एडसेंस से कई गुना ज्यादा भी कमा के दे सकते हैं, और उनमें से एक है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको तो आप ऐसे इग्नोर मारते हो कि क्या बताओ, पूरे यूट्यूब पे एडसेंस 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 बोल बोल के मेरे पूरे दिमाग खराब हो रहे हैं। दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल ब्रो, क्या है ये यार। सारे यूट्यूबर्स ने भी आपको एडसेंस में अटका कर रखा है कि एडसेंस ये कर लो, एडसेंस इतना कमा लो उतना कमा लो, जबकि वो खुद एफिलिएट मार्केटिंग से उनका मेन अर्निंग सोर्स है, और सब लोग इसलिए ज्यादातर एडसेंस के वीडियो बनाते हैं क्योंकि आप लोग भी वही देखते हो। दूसरों को क्या बोलूं, मैं खुद का बताता हूं कि आप खुद देख लो, आप मेरा चैनल देख लो, इसमें भी देखो, मैं जब एडसेंस के वीडियो बनाता हूं उस पे व्यूज देखो, और जो मैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाले टिप्स या ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाता हूं उसमें आप व्यू देख लो। यहां पे ये देखो सर्च कंसोल वाला, ये जो ट्रैफिक लाने का इतना मस्त मेथड मैंने बताया उसमें सिर्फ 200 इतने व्यू है, फिर यहाँ पे 400 एडसेंस में पहुंच गया। यहाँ नीचे जाएंगे तो कंटेंट प्लानिंग का इतना मस्त स्ट्रेटेजी मैंने बताया, उस पर व्यू नहीं है। फिर यहाँ पे वापस एडसेंस वाले में देखो, कहाँ 1500, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 500 1000 एडसेंस के वीडियोज ही आप देखना पसंद करते हो, इसलिए हम लोग भी वही बनाते हैं। मानता हूँ एडसेंस अर्निंग होती है, अब किसी के लिए एडसेंस अर्निंग करना वक्त कर रहा है, वो चीज वो शेयर कर रहा है, लेकिन 100 लोग जो नहीं कर पा रहे वो लगे हुए साल दो दो साल से उनकी अर्निंग नहीं हो रही है। मेरे खुद की अर्निंग एडसेंस से 3 साल से इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी एफिलिएट मार्केटिंग से हुई है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सिर्फ एडसेंस के ऊपर मत रहो, अफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, गेस्ट पोस्ट, ये सब पे भी थोड़ा फोकस करो, और वही मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग का पावर इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरा एग्जांपल लेकर। तो खैर छोड़िए ये सब, तो ऐसे बात होगी, अब बात करते हैं मेन अफिलिएट मार्केटिंग की। अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है अगर आपको नहीं मालूम है, तो अफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और हमारे रेफरेंस के थ्रू कोई भी कस्टमर उसको बाय करता है, मोस्टली हमारा लिंक होता है उसके थ्रू, कोई भी जाता है हमारे लिंक के थ्रू उस वेबसाइट पर जाता है, उस वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो हमें कुछ परसेंट या फिर कुछ फिक्स्ड अमाउंट कमीशन मिल जाता है एज अफिलिएट कमीशन, तो उसको हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। इस वीडियो को ज्यादा लंबा तो नहीं रखूंगा, और जैसे मैंने कहा कि मेरा मेन मोटिव था कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग के लिए जागरूक करना है, तो अब आपको मैं कुछ डेटास बताता हूँ एडसेंस कंपैरिजन में और अफिलिएट मार्केटिंग कंपैरिजन में कि आप किससे ज्यादा अर्निंग करोगे, और आप खुद समझ जाओगे, और वो समझने के बाद, मतलब ये डेटा शेयर करने के बाद, मैं आपको अपना खुद का एक प्रूफ भी शेयर करूंगा ताकि आपको बूस्ट मिले, इनिशियल जो बूस्ट आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन की तो मैं बात ही नहीं करता, इंस्पिरेशन मिले वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो आपका ब्लॉग है उसमें 5000 का मंथली ट्रैफिक आ रहा है, अब एडसेंस में आपको मान लो $1 की सीपीसी मिल रही है, जो कि इतना जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोला चलो आपको $1 की सीपीसी मिल रही है, और एक अफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है जिसमें आपको 30% मिल रहा है। मान लो $100 का प्रोडक्ट है तो आपको $30 कमीशन मिल रहा है पर सेल का, पर सेल की बात कर रहा हूँ मैं, खाली क्लिक की बात नहीं कर रहा। बात करते हैं क्लिक्स या कन्वर्जन की, तो एडसेंस में मान लेते हैं हम आपको 10% CTR मिल रहा है, और आपका जो अफिलिएट है उसमें आपको सिर्फ 1% कन्वर्जन रेट मिल रहा है, मतलब ई कॉमर्स में से देखा जाए तो 2% का कन्वर्जन रेट चलता है, मतलब अगर आपके वेबसाइट पर 100 लोग आ रहे तो उसमें से 2 लोग खरीदते ही है, लेकिन फिर भी 1% ले रहा हूँ मैं, एडसेंस को हाई रख रहा हूँ जो कि जल्दी नहीं होता है, पर अफिलिएट मार्केटिंग को लो रख रहा हूँ जो कि इजिली हो जाता है। मंथ के एंड में अगर दोनों के स्टेट्स को कंपेरिजन करें तो सबसे पहले देखते हैं एडसेंस में आपको कितनी अर्निंग होगी। तो आपके वेबसाइट पे 5000 का ट्रैफिक आया, उसमें से 10% लोगों ने उस पर क्लिक किया, मतलब 500 आपके क्लिक्स आए, और $1 की आपकी सीपीसी है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, $500 आपका एडसेंस का हुआ। अब यही हम अफिलिएट मार्केटिंग पे देखें, मान लो आपके 5000 ट्रैफिक आया उसमें सिर्फ 1% ही आपका कन्वर्ट हुआ, तो वो करीब हुआ 50, और 50 को अगर हम 30 से जो आपका पर सेल का कमीशन है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सीधा हो जाता है $1500, कहां 500 कहां $1500, सिर्फ 1% कन्वर्ट
कन्वर्जन में, और जो कि इजिली हो जाता है, लेकिन आपको टारगेटेड ट्रैफिक की बात हो रही है। 5,000 टारगेटेड ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगा, आपके उस आर्टिकल पे आएगा, तो मतलब कहां $1,500 और कहां $500, सीधा $1,000 का डिफरेंस है। और सिर्फ 1,500 नहीं होगा, उससे कई ज्यादा होगा, क्योंकि कई सारे जो अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, कंपनीज होती है, वो अगर आप उनके एक महीने में 5 से ज्यादा या 10 से ज्यादा या 20 से ज्यादा सेल्स लेके आते हो तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन पे करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप उनके महीने के 1 से 5 सेल लाते हो तो आपको $50 पर सेल मिलेगा, अगर आप 6 से ज्यादा लाते हो, 10 तक लाते हो, आपको 75 पर सेल मिलने लग जाएगा, और फिर वही अगर आप 20 ज्यादा लाते हो तो आपको $125 पर सेल मिलेगा। तो मगर आपके यहाँ पे हम देखा जाए इस तरीके से 30 नहीं 125 हो जाएगा, वो कैलकुलेशन आप कर लेना, आराम से 5,000 के ऊपर जाएगा। तो फिर आप सोच सकते हो कि एडसेंस के कंपैरिजन में आप सिर्फ जो एडसेंस के पीछे पड़े हो कि एडसेंस से मोनेटाइज करना है, एडसेंस से मोनेटाइज करना है, उससे कंपैरिजन में अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करोगे और एडसेंस को साथ में अपने ब्लॉग में यूज करोगे तो आपको कितना फायदा हो सकता है, वो भी आपको मैं भी इस वीडियो में आगे बता रहा हूं। तो वही कई लोगों को लगेगा कि ये हवाबाजी कर रहा है कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, तो मैं आपको मेरा खुद का एक प्रूफ बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। इतना कोई बड़ा वो इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूं, मतलब मैंने किया है आप भी कर सकते हो। तो करीब 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था WP एडवांस एड का, कैसे उसे यूज करते हैं, उसका ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था। तो इसमें अगर आप देख सकते हो करीब यहाँ पे 1.3K व्यूज बता रहा है, मतलब 4,300 व्यू आए हैं इसमें 1 साल में। और इसका मैं आपको मेरा अफिलिएट जो रेवेन्यू आया है, जो भी मुझे कन्वर्जन मिला है, उससे कंपैरिजन आपको करके बताऊंगा। तो मैंने अपना अफिलिएट डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे, आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर अफिलिएट स्टैटिस्टिक्स है। तो जैसे यहाँ पर करीब 1 साल में 4.3K मेरे व्यूज आए हैं, और उसमें से 623 विजिट, मतलब 623 लोगों ने मेरे उस लिंक पे क्लिक किया है और मेरे लिंक के थ्रू WP एडवांस एड्स की वेबसाइट पे गए हैं, उसमें से मुझे अभी तक लाइफ टाइम में 7 कन्वर्जन आए, मतलब सिर्फ 7 लोगों ने मेरे लिंक से, मतलब 623 में से भी सिर्फ 7 लोगों ने मेरे लिंक से परचेस किया है। पेड अर्निंग मतलब ये मेरे बैंक में आ चुका है इतना। और आपको ये बता दूं, यहाँ पे ये यूरो है, USD से ज्यादा होता है, मतलब USD अगर 80 है तो यूरो करीब 90 के आसपास होगा, तो आप देख लेना क्या करंट रेट है। अब यहाँ पे देखो अनपेड रेफरल्स, मतलब ये 2 कमीशन मेरे इस साल के अंदर में आए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 यूरो पड़े हैं और 5 पेड है, मतलब यहाँ पर जो ये वाले हैं, मतलब इतने कमीशन मुझे पे हो गए हैं और उतने बाकी है। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 1.1% का कन्वर्जन मुझे मिल रहा है इतने में से, इतने ट्रैफिक में से। और सबसे मेन चीज ये है कि मेरा 20% कमीशन रेट जो है वो रिकरिंग है। अब अफिलिएट मार्केटिंग में एक टाइम होता है रिकरिंग कमीशन, एक होता है फिक्स और एक होता है रिकरिंग। फिक्स में क्या होता है कि आपको बोल दिया कि $50 मिलेगा, आपको 50 मिल गया, एक कस्टमर है, $50 आपको मिल गया। रिकरिंग में क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। जैसे यहाँ पे इनके जो WP एडवांस एड्स है, अब देख सकते हो 20% लाइफ टाइम कमीशन है, तो मतलब ये रिकरिंग है, मतलब जब वो बंदा वापस रिन्यू करेगा, मान लो $100 का प्रोडक्ट है, मुझे उसका 20% $20 मिला, तो आज जिस बंदे ने बाय किया होगा तो मेरे को $20 मिल जाएगा। ठीक 1 साल बाद जब वो उसे वापस से रिन्यू करेगा, उसे वापस से $100 देने पड़ेंगे, फिर उसका 20% जो $20 होगा मुझे वो वापस मिलेगा। तो जब तक वो उसे यूज करता रहेगा मुझे $20 मिलते रहेंगे। तो अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पे अभी तक 7 कस्टमर्स भेजे हैं, जब रिन्यू करते रहेंगे तो हर साल मुझे ये 50+16 मतलब करीब 68 के आसपास, 67 के आसपास मुझे हर साल यूरोज मिलते ही रहेंगे अगर ये लोग रिन्यू करते तो। मुझे एक बार तो कमीशन मिल गया, हो सकता है इनमें से कोई भी रिन्यू ना करे, अगर करते हैं 1 या 2 भी करते तो उनका भी मुझे कमीशन वापस से 20% मिलेगा। अब अगर ये तो प्लान के हिसाब से, मान लो उन्होंने ये प्लान लिया, अब वो चाहेंगे कि उनको ये वाला प्लान लेना, तो इसका जो 20% हुआ करीब 59-60 यूरो, तो सिर्फ एक कस्टमर से मुझे 60 वो भी मिल सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, एक छोटा अमाउंट बता रहा हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। और पिछले साल के मेरे अफिलिएट की जो कुछ अर्निंग्स थी वो तो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर करी थी वीडियो के, ताकि मैं आप लोग का अटेंशन ले सकूँ। तो ये तो कुछ नहीं, लोग लाखों लाखों में कमा रहे हैं, हमारा छोटी मोट अर्निंग, छोटी मोटी अर्निंग होती है वो हम शेयर कर लेते हैं अपने साथ। यार सिंपल से बताऊं तो 2023 में मैंने ब्लॉगिंग रैप्टर को स्टार्ट किया था, मतलब जो ब्लॉगिंग रैप्टर का ब्लॉग है, और फिर कुछ टाइम के बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो तब से लेकर अभी तक मुझे 3 साल हो चुके हैं और अब जाके मुझे ये रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। और टाइम लगता है भाई, अब अभी मैं फिलहाल जिम भी जा रहा हूं तो उसमें भी बॉडी बनने में टाइम लगती है। ठीक उस तरह अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो ब्लॉगिंग भी एक आपका बिजनेस है, उसको भी ग्रो करने में कुछ टाइम तो लगेगा। अगर बाय चांस आपका नसीब अच्छा है, आपने अच्छे से काम किया, तो कुछ महीनों में भी आपको रिजल्ट मिल सकता है अच्छा खासा, मेरे को जो मिला उससे भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो उसमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। मैंने अपना स्टार्टिंग का 2.5 साल मैंने भी आपको क्या बोलूं, मैंने खुद ने यूट्यूब वगैरह पे देख देख के लोगों की अर्निंग देख देख के, जब ये चैनल बन चुका था उसके बाद भी मैंने कई यूट्यूब पे लोगों के वीडियोस देखता था एडसेंस के रिलेटेड, तो एडसेंस के पीछे भागता था। उस कारण से मेरा भी 2.5 साल वेस्ट हुआ है सिर्फ एडसेंस के चक्कर में। तो अब मैंने ध्यान लिया कि अब मैं अफिलिएट पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि वो एक इजी चीज है, वहां से मुझे जल्दी कमीशन मिल सकता है, जल्दी विड्रॉ भी हो सकता है। ये बात है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग के साथ एडसेंस को भी साथ में यूज करो, मतलब जो आपके अफिलिएट वाले आर्टिकल्स होते हैं उसमें आप अफिलिएट लिंक्स डालो, उधर से मोनेटाइज करो, कि जो नीश है उसके रिलेटेड हाउ टू या फिर इन्फॉर्मेटिव टाइप के आर्टिकल्स लिखो, क्योंकि उन पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो वहां से आप एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये सब आगे मैं अफिलिएट मार्केटिंग के वीडियोस लाऊंगा कि कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कैसे आपको करना चाहिए, कैसे आर्टिकल लिखने चाहिए। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के आर्टिकल होते हैं, फॉर्मेट होता है कैसे बनाना है, तो सब वो आगे मैं वीडियोस लाऊंगा। सोच भी रहा हूं कि कोर्स ऐसा लाऊं और कोई
मेरा कोर्स पेड वेड रहेगा नहीं तो उसके कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। और वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर रहेगा कि अगर आपको सही में चाहिए तो आप नीचे कमेंट करोगे, तो उसके रिलेटेड जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिंपल सी बात है। वही मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ एडसेंस के पीछे मत भागो, अफिलिएट मार्केटिंग पे और बाकी चीज़ों पे भी फोकस करो। मैं हो सके तो अभी बीच में गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड भी वीडियो डालूंगा, मैंने पहले भी डाली थी गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड वीडियो कि आप अच्छा खासा गेस्ट पोस्ट से भी कमा सकते हो, उसका भी मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। और अभी गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड आगे मैं और भी वीडियोज डालूंगा, तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया हो तो। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आपको जो मैंने ये WP एडवांस एड्स वाला जो मेरे स्टेट्स दिखा है वो चीज़ आप सिर्फ दिन के 2 घंटे काम करके भी कर सकते हो, जो मैंने आपको वीडियो बताई थी कॉन्टेंट प्लानिंग वाली, वो अगर आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप सिर्फ दिन के 2 घंटे टाइम निकाल कर भी ये चीज़ कर सकते हो, मतलब ब्लॉगिंग में ध्यान दे सकते हो, उसमें आपका भी काम हो जाएगा। और वो कंटेंट प्लानिंग वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, अगर आपको देखना तो आप ये यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी वीडियो उसको पसंद आया तो उसको लाइक कर दो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो सिर्फ एडसेंस के चक्कर में ही अटका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि एडसेंस खराब है, लेकिन सिर्फ एडसेंस नहीं दूसरे भी चीज़ें हैं उस पर भी फोकस करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ से आगे के वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या, मिलता है अगले वीडियो में।